एक्सपर्ट की राय जानने से पहले हमने गूगल करके जाना चाहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। देखा तो कई तथ्य सामने आए, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसे कांग्रेस कभी नहीं बताती वो है ऑयल बॉन्ड्स। अब ये ऑयल बॉन्ड्स क्या है और कैसे मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है इसे समझ लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की ज्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं बल्कि मनमोहन सिंह सरकार की थी। दरअसल पूर्व में कच्चे तेल के महंगा होने पर उसका पूरा बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाता था बल्कि सब्सिडी की व्यवस्था होती थी और इस सब्सिडी की राशि के बदले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड्स जारी किए जाते थे। इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड 10 से 20 वर्ष का होता था। सरल भाषा में बताएं तो उस समय की यूपीए सरकार ने तेल कंपनियों को कहा कि हम आपको सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप तेल की कीमतें मत बढ़ाओ, इसकी भरपाई के लिए हम आपको बॉन्ड जारी कर रहे हैं जो हम धीरे धीरे चुका देंगे। ऐसा करने से जनता भी खुश हो गई और तेल कंपनियों को भी लगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ा के फौरी तौर पर भले ही नुकसान हो जाए पर 10 से 20 सालों बाद तो पैसा ब्याज सहित वापस आ ही जाएगा। ये बर्बादी का पेड़ जो कांग्रेस उस समय लगा गई उसके कड़वे फल बीजेपी के खाते में आ गए। उस समय बांटे गए ऑयल बॉन्ड्स अब मोदी सरकार को ब्याज के साथ चुकाने पड़ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार पर इन बॉन्ड्स का कितना बोझ है और उसे वो किस तरह से चुकाएगी। पिछली सरकारों ने 1.31 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए। इन बॉन्ड्स का भुगतान केंद्र सरकार को अक्टूबर 2021 से मार्च 2026 तक करना होगा। इस साल केंद्र को बॉन्ड्स पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का ही ब्याज चुकाना होगा। वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें बताया गया है कि इस साल अक्टूबर नवंबर में केंद्र 5,000 करोड़ के बॉन्ड्स का पेमेंट करेगा। इसके बाद साल 2023 में केंद्र 22,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स का भुगतान करेगा। साल 2024 में 40,000 करोड़ के बॉन्ड्स का पेमेंट करेगा और साल 2026 में 37,000 करोड़ के बॉन्ड्स की केंद्र अदायगी करेगा। कुछ सरकारी सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार के पिछले 7 सालों में इन बॉन्ड्स पर 70,000 करोड़ का ब्याज दिया गया। अगर हम पीछे थोड़ा सा जाकर के देखते हैं तो जुलाई 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों को डीकंट्रोल कर दिया था। हालांकि पेट्रोल उसी समय उसका जो लागू हो गया पेट्रोल डीकंट्रोल कर दिया गया, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन है वो डीजल का वो 2014 में जाके हुआ है जब एनडीए सरकार सत्ता में आई। लेकिन 2010 से 2014 तक का आप इतिहास देखें कीमतें बढ़ी थी लेकिन उसके बावजूद डीजल के ऊपर सब्सिडी चलती रही, अर्थात उस समय की सरकार ने उसकी कीमत को नियंत्रण में रखा। और कैसे रखा, उसके लिए सरकार जो है वो जो तेल की कंपनियां हैं उनको ऑयल बॉन्ड इशू कर दिया करती थी, अर्थात ये है कि उनको ये कहा जाता था जो भी आपका घाटा हो रहा है वो सरकार पूरा कर रही है। लेकिन कैसे सरकार पूरा करती थी, कोई पेमेंट नहीं करती थी, कोई पैसा नहीं देती थी, ऑयल बॉन्ड दे दिए और सर कंपनियां जाकर के वो बैंकों में भुनाया करती थी। लेकिन उसका नतीजा ऑयल बॉन्ड का मत ये था उसका जो भुगतान है वो आने वाली सरकारें करेंगी, अर्थात 5 साल बाद 6 साल बाद 8 साल बाद जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो करेगी। तो वो सारा 2010 से 2014 तक उस समय जो कि सब्सिडी दी गई या जो कंट्रोल प्राइस थी डॉक्टर मनमोहन सिंह या कांग्रेस सरकार की, उस तमाम चीज़ों का जो भुगतान जो अरबों खरबों रुपया है वो आज तक जो है ये अब जो उसके बाद सरकार आई एनडीए की NDA 1 NDA 2 वो सरकार आज तक उसका कर रही है। आपको बता दें कि साल 1996-97 के बाद केंद्र सरकारों ने तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के लिए ऑयल बॉन्ड्स जारी करने का फार्मूला निकाला था। ऑयल बॉन्ड्स जारी कर तत्कालीन यूपीए सरकार ने फौरी तौर पर तो ग्राहकों के लिए दाम स्थिर कर रखा था, लेकिन अब उसका भुगतान आम ग्राहकों की जेब से ही होना है। Presenting.